सिंगरौली दौरा था, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कुछ देर वो मीटिंग लिए और इसके बाद कलेक्टर ने वो बैठक किए, इसके बाद अभी वो उनका यहाँ से प्रस्थान हो चुका है। इस कुछ इनकी मांगे थी, यूथ कांग्रेस के लोग मेरे साथ खड़े हैं और कुछ मांगों को लेकर अब ये ज्ञापन सौंपने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इनको अपने हिरासत में लिया और इनको अभी थाने से छोड़ा गया है। तो तमाम हम इससे विषय पर चर्चा करेंगे, प्रवीण सिंह चौहान हैं और पंकज पांडे हैं, तमाम भी और डब्बू सिंह भी हैं। क्या आप लोगों की मांगे थी, पता चला काला झंडा दिखाने वाले थे आप? देखिए, कल SDM साहब को पत्र के माध्यम से हम लोगों ने समय मांगा था कि गृह मंत्री जी का जिले में आगमन हो रहा है और हम लोगों को समय दिया जाए, हम लोग सिंगरौली जनता के संबंध में, सिंगरौली के लोगों के विषय पर कुछ अपनी मांग गृह मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहते थे। लेकिन ये सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा बलपूर्वक पुलिस प्रशासन लगा करके हम लोगों को रोका गया, गृह मंत्री जी से मिलने नहीं दिया गया। गृह मंत्री जी निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, लेकिन वो गृह मंत्री संपूर्ण मध्य प्रदेश के हैं। जिस तरह से हजारों कार्यकर्ताओं से वो आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं से वो मिले, निश्चित तौर पर हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग सिर्फ 5 लोग जाएंगे और अपनी मांग रखेंगे। क्या मांगे हैं आप? हमारी मुख्य मांगे थी कि जो सिंगरौली जिले में नशाखोरी युवाओं में व्याप्त है, जो बॉर्डर के जिलों से नशे की तस्करी हो रही है, जिसमें सत्ताधारी लोग, भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी लोग संलिप्त हैं, इन विषयों पर हमारी मांग थी। और जिस प्रकार से विधायक पुत्र द्वारा आए दिन सरेआम गुंडागर्दी की जाती है, कहीं महिला नर्स के साथ तो कहीं पत्रकार के साथ तो कहीं आम लोगों के साथ, इन विषयों पर हम गृह मंत्री जी का ध्यानाकर्षण कराना चाहते थे और ये चाहते थे कि सिंगरौली की जो पुलिसिया व्यवस्था है उसको एक अच्छी व्यवहारिक व्यवस्था सिंगरौली में प्रदान की जाए, ताकि सिंगरौली के आम आवाम लोग सुकून से ज़िंदगी जी सकें। तो सिंगरौली जिले के लोगों के लिए, सिंगरौली के युवाओं के लिए हम आज गृह मंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को बलपूर्वक गाड़ी में बिठा करके गिरफ्तार कर बहन थाने में ला दिया। व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर और आज जो रोका गया हम लोगों को, तो इस बात को साबित करता है कि ये पुलिस और भारतीय जनता पार्टी जो लुका छिपी चोरी का खेल खेल रहे हैं, तो इनकी बातें कहीं माननीय मंत्री के सामने उजागर न हो, इस वजह से सत्ताधारी दल के नेता और पुलिस द्वारा हमें मिलने से रोका गया और गिरफ्तार किया गया। और जिस तरह से हमको गिरफ्तार किया गया, तो निश्चित तौर पर ये बात जो हम लोग कहते थे कि ये हत्यारी सरकार के मंत्री हैं, तो आज साबित हो गई। जिस तरह से क्या हम लोग कोई गुंडे अपराधी तो है नहीं, हम भी इस प्रदेश के नागरिक हैं। और क्या क्या मांगे आप लोगों की रही? उसमें कई सारे मांगे देखा, जैसा कि इसमें मैं देख पा रहा हूँ, डीजल कबाड़ चोरी जो जिस तरह से सत्ताधारी नेता और पुलिस मिलकर के कर रहे हैं, जिस तरह से पुलिस द्वारा यहाँ पर व्यापक पैमाने पर जो नशा के तस्कर हैं, अफीम ड्रग्स के तस्कर हैं, उनको संरक्षण पुलिस प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है, जिस तरह से विधायक का लड़का आए दिन गुंडागर्दी करता है, उनकी पोल न खुल जाए, इन तमाम बातों को हम लोग उजागर न कर पाए, इसलिए हमें रोका गया था। अभी तो छोड़ दिया गया है, लेकिन आवाज नहीं दबा पाएंगे ये सत्ताधारी नेता और पुलिस प्रशासन के लोग, कान खोल कर सुन ले, आवाज नहीं दबने वाली है। हम जनता के बीच जाएंगे, निश्चित तौर पर इन बातों को लेकर के सिंगरौली की जनता के समक्ष हम अपनी बातें रखेंगे और इसका जवाब सत्ताधारियों को आने वाले समय में निश्चित तौर पर सिंगरौली का युवा और सिंगरौली की जनता देगी। तो ये थे यूथ कांग्रेस के तमाम नेता जो आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग अपने जो मांगे थी शांति प्रिय ढंग से गृह मंत्री तक रखना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने नहीं अरेस्ट कर लिया, हालांकि यहाँ छोड़ दिया है, लेकिन इनका कहना है कि आवाज़ हम लोग किसी भी कीमत पर दबाई नहीं जा सकती। पुलिस प्रशासन और सत्ताधारी नेता दबा सकते, लेकिन हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता से हमें अपेक्षाएं हैं। तमाम खबरों के लिए ऐसे देखते रहिए अनोखी आवाज़।